कुल्लू में पण आवी स्थिति हती। बियास नदीना पाणी में एक ट्रक रमकड़ानी जेम तणातो देखायो। कुल्लू की नदीओ उफान पर छे, तेम छतां ट्रक चालक ने ड्राइवरे नदी पार करवानो प्रयास कर्यो, परंतु ट्रक फसाई जता चालके तात्कालिक ट्रक छोड़ी दीधो, निकली गयो, जेथी तेनो जीव तो बची गयो, परंतु तेनी ट्रक नदीना पाणी सामे न टकी शकी अने कागळनी होड़ीनी जेम तणाई गयो। मेघराजाए हिमाचल प्रदेश में सौथी वधु मंडी में तबाही मचावी छे, जेमां बियास नदीना पाणी वच्चे जे पण आव्युं ते चकनाचूर थई गयुं, परंतु आ बधानी वच्चे मंडी में आवेला पंचवक्त मंदिरनो चमत्कार जोवा मळ्यो। कारण के जे रीते बियास नदीना पाणी विनाश फेरी रह्या हता, तेनी सामे 300 वर्ष जूनुं आ शिव मंदिर छाती ताणीने उभुं हतुं। एक नजर में जोता तो केदारनाथ तबाहीनी याद आवी जाय तेम नथी, कारण के वादर फाट्या बाद पण जे रीते केदारनाथ अड़ीखम हतुं, तेवी रीते मंडीना आ पंचभक्त मंदिर सामे नदीना पाणी पण नतमस्तक थई गया हता। वरसाद रोकाया बाद पाणीना जळस्तर घट्या छे, ते बाद जोई शकाय छे के मंदिर ने जरा पण नुकसान थयुं नथी। मंदिरनी आसपासनी जग्या पर भारी नुकसान छे, पाणीना प्रवाहमां आवेली तमाम वस्तु तणाई गई छे, परंतु शिवजीनुं पंचभक्त मंदिर हजु पण अड़ीखम छे। बारिश और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। पहले 95 में भी ऐसा आया था, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था, इस बार तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पंचभक्त मंदिर का जो अभी हाल में पूरा तक भागवार ये डंगे लगाए गए थे, ये पूरे बह गए यहाँ पे, और हनुमान मंदिर को नुकसान हुआ, पार्किंग को नुकसान हुआ, और सामने वाली शमशान घाट है वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे भी जो पुल है, ये पुराना पुल था पंचभक्त महादेव जी के नाम से इसको जाना जाता था, तो इस पुल को भी प्रॉपरली अब टोटली जिसको बोलते हैं कि बंद हो चुका है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी साथ लगते घर, जैसे कि वो आप घर देख रहे हैं, उस तरह के जो घर है ना उनको प्रॉपर दिक्कत है। और ये जो मंदिर है ना, इसमें बोला जा रहा है कि 95 के बाद अब ऐसा सैलाब आया है, बहुत इतने सालों बाद ब्यास नदी का। सो द थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि जो पहाड़ों की नदी है वो कभी अपना रास्ता छोड़ेगी आने के लिए। तो लोगों को ये जागरूकता रखनी चाहिए कि इतनी नजदीक भी ना जाए प्रकृति के कि आपको वो बर्बाद ही कर दे। जे रीते मंडी में कुदरती प्रकोप वेरो छे, ते बाद राजकीय पार्टियों ने प्रशासन पर सतर्क छे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी असरग्रस्त विस्तारों की मुलाकात पहुंचा छे, स्थानिकों की समस्या जानीने तेनो निकाल लावानो प्रयास कर्यो छे। आज भी हमारी बसेस जो है लगभग 1300-1400 HRTC की बसेस जो है वो उनके रूट से सस्पेंडेड हैं। सबसे ज्यादा वर्स हिट हमारा कुल्लू है। कुल्लू में हमारे लगभग सारे रूट्स ही सस्पेंडेड हैं, और लेकिन ये है कि हमारी बसेस जो हैं सारी सुरक्षित एरिया में खड़ी हैं और बसेस को कोई लॉस नहीं है। और हमने कहा भी है कि आप एहतियात बरतें, सुरक्षा का, गाड़ियों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। तो आ तरफ खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पण हवाई निरीक्षण करीने मंडी मनाली सहित विस्तारों में मेघराजाए वेरेला विनाशनो चितार मेळव्यो हतो।